रीजनिंग एनालॉजी का प्रश्न दिया है। 9 का जो संबंध 38 के साथ में है, 24 का जो 83 के साथ में है, वही 13 और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होने वाला है, ठीक है। और हम अंतर वाला लॉजिक लेते हैं। सबसे पहले 9 और 38 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ जो है वो हमारा 29 का अंतर है, ठीक, 29 का अंतर है। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ तो बहुत ज्यादा अंतर है, यानी अंतर वाला लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। फिर क्या लॉजिक लगा वो देखते हैं। 9 में हम किसी संख्या को गुणा करते हैं, अगर 9 में हम कितने का गुणा करें, 9 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं, 9 में 9 चौक 36 हो जाएगा, और 24 दूनी 48, 24 सतिया 72, और ये भी अगर हम करेंगे तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, ठीक, 9 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 38। और 27 में हम +11 जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 38 मिलेगा। 38 हमें यहाँ पर मिल रहा है। सेम लॉजिक यहाँ भी लगाते हैं, 24। इस 24 में हम 3 से गुणा करते हैं तो 24 3 कितना होता है, 72, और 72 में 11 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 83। 83 हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, 13 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 39 मिलेगा, और इसमें अब 11 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, टोटल 50 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।